हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, जो आपके प्लांट्स हों भी इस खूबसूरत मौसम में काफ़ी अच्छे होंगे। बारिश का सीज़न है, आप सभी जानते हैं, जो प्लांट्स हैं वो एकदम अपनी मौज में रहते हैं, काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हैं, तो ये सीज़न काफ़ी अच्छा होता है प्रोपगेशन के वगैरह के लिए। तो आज भी हम एक प्लांट के प्रोपगेशन के बारे में बात करेंगे, जो प्लांट आई थिंक आपके पास ज़रूर होगा अगर आप इंडोर प्लांट लवर हैं। अगर नहीं है तो मैं कह सकता हूँ 100% अगर वो आपकी विशलिस्ट में ज़रूर होगा अगर आप उस प्लांट के बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं, प्लांट की थोड़ी सी हम केयरिंग भी देखेंगे और जो उसका प्रोपगेशन है वो भी देखेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मॉन्स्टेरा प्लांट के बारे में। मॉन्स्टेरा एक इंडोर प्लांट है, आई थिंक आप सभी जानते होंगे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा जो है वो डिमांडिंग प्लांट है। सो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मेरा मॉन्स्टेरा प्लांट है। साइज़ देखिए आप, ये अराउंड आई थिंक 3 फीट का प्लांट होगा और अगर हम पॉट के साथ देखें तो लगभग 3.5 से 4 फीट का प्लांट है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आई हो सकता है आपके पास छोटे साइज़ का मॉन्स्टेरा हो या हो सकता है इससे भी बड़ा मॉन्स्टेरा हो। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी केयरिंग के बारे में थोड़ी सी बात करें तो केयरिंग काफ़ी आसान है। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि प्लांट तो इंडोर है बट आपको फुल्ली जो है इंडोर में नहीं रखना है। जैसे आपकी लिविंग स्पेस हो गई तो वहाँ पे जो लाइट होती है वो काफ़ी कम होती है मोस्ट ऑफ द जो घर हैं उनमें। तो आप ख्याल रखें कि जो इसकी लीव्स हैं उन्हें आप ऐसी जगह पर रखें, मतलब प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे जो सन है वो डायरेक्ट तो नहीं बट वो उसकी काफ़ी अच्छी लाइट आती हो, जैसे कि लाइट कलर के कर्टन से जो है काफ़ी अच्छी लाइट आती है, तो वहाँ पे ये प्लांट जो है काफ़ी अच्छा करेगा। या अगर आपकी खिड़कियाँ हैं उसकी जो विंडो है उसके थ्रू जो लाइट आती है लाइक आपकी बालकनी वगैरह में या फिर आपके ऐसी जगह जहाँ पर बढ़िया लाइट हो तो वहाँ पर आप इसको रखिए, तो ये काफ़ी जो है वो बढ़िया चलता है। लाइटनिंग की तो हमने बात कर ली, अगर हम पानी की बात करें तो सॉइल जब आपकी ड्राई हो तभी आपको जो है वो पानी दे। जब ये इसको पानी चाहिए होता है तो इसकी लीव्स जो है वो थोड़ी सी लटक जाती हैं, तो वहाँ तो उस समय आप देख सकते हैं अगर इसकी सॉइल भी ड्राई है, लीव्स भी थोड़ी सी लटकी हुई हैं, तो आप इसे बढ़िया से वाटर कर दीजिए और ऐसे वाटर करें कि जो पानी है वो इसकी बेस से निकलने लगे, तो जो रूट्स हैं वो पूरी तरह जो है वो फिल्ड हो जाती हैं, तो जो प्लांट है वो अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। सॉइल की अगर हम बात करें, सॉइल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस एक अच्छी वेल ड्रेन सॉइल हो, वर्मी कंपोस्ट आपकी नॉर्मल गार्डन सॉइल भी हो तो ये काफ़ी अच्छा चल जाता है। कोकोपीट में आप ना ही लगाएं कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, जो इसकी ग्रोथ है वो आराम से नॉर्मल सॉइल में काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो आप इजीली ये नॉर्मल सॉइल में भी अपना चला सकते हैं काफ़ी बढ़िया से। और हमारे यहाँ जितने मॉन्स्टेरास हैं मोस्ट ऑफ द जो है वो सभी भी जो है गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट और थोड़े से परलाइट के मिक्स में लगे हुए हैं। परलाइट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप गार्डन सॉइल और जो हमारी वर्मी कंपोस्ट है उसका जो मिक्स है उसे यूज़ कर सकते हैं और ये जो प्लांट है काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा। आप इसकी भी ग्रोथ देख सकते हैं, सिंपल सॉइल में लगा है, आप देख सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं, काफ़ी बड़ा जो है वो प्लांट ग्रो हो रहा है अराउंड इसकी ये 2 साल के आसपास है और काफ़ी तेज़ ग्रो होते हैं अगर इनको बढ़िया एनवायरनमेंट मिलता है। और समय तो बारिश है तो आप बाहर बारिश में रख दें, यहाँ पर ज़्यादा सनलाइट ना आती हो तो ये बहुत ही जो अच्छा है वो चलने लगेगा। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि कैसे हम अपने मॉन्स्टेरा प्लांट्स का जो है वो प्रोपगेशन कर सकते हैं। केयरिंग के बारे में हमने देख लिया, आप देख सकते हैं ये मेरा मॉन्स्टेरा प्लांट है एक, तो इसकी जो है शेप वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इसमें जो शुरू में मॉस्टिक नहीं लगी थी। हाँ, एक बात का ख्याल रखें, जब आपका प्लांट बड़ा होने लगे तो आप एक मॉस्टिक उसमें ज़रूर लगा दें, जैसे कि ये मेरे दूसरे प्लांट में आप देख सकते हैं लगी हुई है, तो इसमें भी आप एक मॉस्टिक ज़रूर लगा दें। तो आज हम जो प्रोपगेशन करने वाले हैं वो वाटर प्रोपगेशन होगा, हम इसकी जो स्टेम्स हैं नोड है वहाँ से इसको कट करके जो है वो वाटर में इसका प्रोपगेशन करेंगे। तो देखते हैं हम, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ से जो इसकी एक रूट है वो डेवलप्ड है पहले से, तो यहीं से हम इसको कट करेंगे। कुछ स्टेम्स हम यहाँ से भी कट करेंगे और जो यहाँ से भी 3 से 4 स्टेम हम कट करेंगे। और इसे थोड़ी जो दूर से आप सिंपली कट कर लीजिए, ये देखिए हमारा जो एक प्लांट है प्रोपगेशन के लिए वो रेडी है। तो इसी तरह हम कुछ और नोड्स भी कट कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये 3 इसकी नोड्स हैं। तो नोड काटते हुए आप ये ख्याल रखें कि जो नोड्स हैं उसमें रूट्स हों, क्योंकि अगर रूट्स नहीं होंगी तो आप जब वाटर प्रोपगेशन करेंगे तो जो नोड है वो हो सकता है धीरे धीरे रॉटन होने लगे, तो इस बात का आप ख्याल रखें। 3 नोड्स हैं, इन्हें हम डायरेक्टली पानी में डिप करेंगे, पानी में रखेंगे अराउंड 2 हफ्ते के बाद, उसके बाद जो इसकी रूट्स हैं वो नई डेवलप होने लगेंगी, या नोड्स से या फिर ये जो आगे की रूट्स हैं इन्हीं से नई रूट्स हैं वो डेवलप होने लगेंगी। सो एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जब आप नोट्स को पिक करें
तो अगर पॉसिबल हो तो आपके जो मॉन्स्टेरा प्लांट में है, अगर इस टाइप की रूट्स हैं, मतलब बिल्कुल जो नई डेवलप हो रही हैं, जैसे मैं आपको अभी अपनी नोट्स में दिखाऊंगा, तो वो थोड़ा मेच्योर रूट्स हैं, तो इन रूट्स में क्या है कि जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से होती है। उन रूट्स में क्या है, वो पहले ही डेवलप हो चुकी हैं, तो सक्सेस रेशियो जो है वो थोड़ा सा लो है उनका, बट इनमें आपको अराउंड 100% तो सक्सेस मिली जाएगी। तो अगर आपका इतना अच्छा सा बड़ा सा मॉन्स्टेरा प्लांट है, तो इस नोट को भी आप ऊपर से जो है वो कट करके पानी में डिप करके रख सकते हैं। और ये देखिए, नोट्स को पहचानने के लिए आप ये देख सकते हैं, उसका कलर वाइट हो और सॉफ्ट रूट हो तो वो रूट जो है वो नहीं होगी, इसलिए आप देख के भी समझ सकते हैं। तो आप इस प्लांट को अगर प्रोपगेट करेंगे तो ग्रोथ जो है वो जल्दी होगी और काफ़ी तेज होगी। 2 वीक्स में अराउंड ये जो रूट्स हैं वो काफ़ी बड़ी होने लगेंगी, तो प्लांट जो है आपका वो जल्दी तैयार हो जाएगा। जैसे मैं आपको अपनी नोट्स में दिखाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि ये जो रूट है ये थोड़ी सी मेच्योर है, बट ये उतना बड़ा इशू नहीं है, ये रूट आगे से डेवलप होने लगेगी। हाँ, इस ये जो दूसरी वाली है, इसकी जो रूट है ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो लंबी हो चुकी है, तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये सक्सेस होगा कि नहीं, तो इस बात का भी आप ख्याल रखिए अपने प्लांट में। सो एक पॉट में मैंने पानी ले लिया, अब ये जो हमारी नोट्स हैं इनको हम पानी में डिप करके रख देंगे। और अब आपको जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, इसे ध्यान से सुनिएगा, आपको अब क्या करना है, वेट करना है। आपको अराउंड 2 से 3 हफ्ते हो सकता है इसमें लग जाए नई ग्रोथ में, इसकी जो रूट्स हैं इनसे, और आप कोशिश करिएगा कि हफ्ते हफ्ते आप जो है वो पानी बदलते रहें, क्योंकि पानी में जो है वो धीरे धीरे बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, तो जो प्लांट है वो रोटन होने की समस्या थोड़ी बढ़ जाती है। और ख्याल रखें कि आप ये सर्दियों में बिल्कुल भी मत करें प्लांट, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है वो बंद होती है, तो सर्दियों में ये इम्पॉसिबल है लगभग, तो आप बारिश में कर सकते हैं या फिर जो है वो आप स्प्रिंग के सीज़न में करें, तो ये जो सक्सेस रेशियो है आपका वो काफ़ी ज़्यादा होगा। और आप इसे डायरेक्टली सॉइल में भी शिफ्ट कर सकते हैं, बट जो सक्सेस रेशियो थोड़ा सा लो होता है, क्योंकि सॉइल में जो है वो रॉटन होने की समस्या थोड़ा ज़्यादा रहती है। जैसे मैंने अभी आपको पहले नोट्स दिखाई थी जिनकी रूट सॉफ्ट हैं, तो वो सॉइल में वैसे आराम से चल जाते हैं, तो उनके लिए आप उन्हें सॉइल में डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हमने देखा कैसे हम अपने मॉन्स्टेरा प्लांट को जो है वो ईजिली प्रोपगेट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जब 2-3 हफ्तों के बाद रूटिंग जो है वो थोड़ी सी स्टार्ट हो जाए और उसमें जो नई रूट्स हैं वो निकलने लगे, तो अपने प्लांट को आप सॉइल में शिफ्ट कर सकते हैं। आप थोड़ी फ्लफ़ी सॉइल बनाएं, थोड़ी सी कोकोपीट आप ऐड कर दें, प्लांट बड़ा हो तब आप यूज़ करें ना करें उतना दिक्कत नहीं। कोकोपीट में क्या होता है, जो रूट्स हैं वो थोड़ा तेज़ी से फैलती हैं, तो आप प्रोपगेशन के दौरान जो है कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी जो वो अच्छा रहेगा। तो एक प्लांट था जिसको हमने शिफ्ट किया है, आप देख सकते हैं जो अभी भी इसकी लीव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लटकी हैं, आराम से इसको 2 हफ्ते हो चुके हैं फिर भी, और जो ग्रोथ है वो आई थिंक 1-2 महीने बाद ही स्टार्ट होगी, क्योंकि रूट्स हैं उसको डेवलप होने में टाइम लगता है, और जब रूट्स भर जाती हैं तो प्लांट में जो वो नई ग्रोथ होने लगती है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें इंतज़ार करना पड़ेगा, अराउंड 5 से 6 महीने लग जाते हैं एक प्लांट को अच्छे से तैयार होने में, तो आपको पेशेंस काफ़ी रखना पड़ेगा। तो अगर आप लखनऊ से हैं तो आपके लिए खुशखबरी, आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप परचेज़ कर सकते हैं, वो आपके घर 2 से 3 दिन में हम डिलीवर करवा देंगे। बाहर सिटीज़ के लिए जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, आने वाले कुछ महीनों में आई थिंक अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि जो अभी हमारे पास मॉन्स्टेरा है उनका साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है। तो आई थिंक वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में हमें दे सकते हैं। थैंक यू।